क्यों क्या वजह? आठ दस। आठ दस बहुत देर हो गई। तिहारी जा गाड़ी तेज चला भाई, हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। ये तूफानी रात और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, गाड़ी अगर जरा भी स्लिप हुई तो हम सीधे पाताल पहुंच जाएंगे। अरे ये तो 10 ही मील आए हैं, अभी 22 मील बाकी हैं। ए बिहारी, तुम तेज गाड़ी क्यों नहीं चलाते भाई? तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे इसमें उतावले होने की क्या बात है, कुछ तार देर से मिली है, और अगर ठीक वक्त से वहाँ स्टेशन न पहुंचे तो राधा बेचारी नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ अलग परेशान होगी। राधा भाभी परेशान हो या न हो, लेकिन बंधु तुम तो अपनी बीवी और बच्चे का मुंह देखने के लिए जरूरत से ज्यादा परेशान हो उठे हो। अब तुम्हारे साथ बहस कौन करे बिहारी भाई, जल्दी चलाओ, जरा जल्दी चलाओ। सरकार, बरसात की वजह बहुत से पत्थर गिरे पड़े। अरे तो देख क्या रहे हैं आप, जाइए रास्ता साफ कीजिए। चलो हम भी हाथ बटाते हैं, आओ जरा उठो। चलो बरसाती बोलिए। क्या हुआ भाई? सरकार ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है, हमारे किए कुछ नहीं होगा। आप गाड़ी में चल के बैठिए, यहाँ पास ही एक गांव है, वहाँ से जाकर मैं कुछ आदमी ले आता हूँ। हाँ तो जाओ जाओ जाओ, तुम भागते हुए जाओ। सरकार रास्ता साफ होने में बहुत देर लगेगी, वहाँ ऊपर एक जमींदार की हवेली है, वहाँ जाकर आप आराम करिए। हमारी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी से आदमी लेकर आओ। देव इस बारिश में हम जरूर सब दिखा जाएंगे। चलो उस हवेली में चले, शायद वहाँ कुछ आगवा का इंतजाम हो जाए। मैं यहीं बैठता हूँ, यहाँ ठहरने से रास्ता तो साफ नहीं हो जाएगा। चलो चलो चलो। अंदर है ही नहीं भाई कोई, करो चले। अब आ ही गए, जरा देख तो ले। फाटक किसने खोला? मैंने। फाटक खोलने की कल वहां है। और आप लोग? रास्ते में रुकावट हो जाने की वजह से हमें रुक जाना पड़ा, थोड़ी देर ठहरने के लिए हमें जगह दोगे? हाँ हाँ, अंदर आइए आइए। बहुत ही पुरानी हवेली माने थी। यहाँ एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? हाँ थी तो, पर पिछले बस भूचाल से गिरकर टूट गई, हद कर दी। तुम्हें कैसे पता चला यहाँ कोई तस्वीर थी? पता नहीं, मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है कि यहाँ एक तस्वीर होनी चाहिए थी। तुम्हें तो इंजीनियर के बजाय जासूस होना चाहिए था। क्यों भाई, थोड़ी सी आगवा का बंदोबस्त हो सकता है? काफी सर्दी पड़ रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऊपर चलिए। ऊपर? हाँ हाँ चलिए, मैं आग सुलगाए देता हूँ। रात भर इस तरह चहलकदमी करते रहोगे?
अरे अभी तक उस कमबख्त ड्राइवर ने कोई खबर ही नहीं दी। ओहो, इस आंधी पानी में इतनी रात के वक्त मजदूर इकट्ठा करके लौटने में वक्त तो लगेगा ना। डॉक्टर देखो तो सही, बारिश कुछ कम भी हुई कि नहीं। डॉक्टर, तुम्हें इस खिड़की के बाहर कोई झील दिखाई दी? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ कभी पहले भी आए थे? नहीं तो, लेकिन जब से मैं इस हवेली में आया हूँ, मुझे यहाँ की हर चीज़ कुछ जानी पहचानी मालूम होती है। नहीं बंदो, ये सब तुम्हारी घबराहट और बेचैनी के कारण। मेरे पास ब्रांडी है, तुम एक खुराक पीकर जरा सो लो। नहीं नहीं, मुझे ब्रांडी व्रांडी नहीं चाहिए। कौन, क्या हुआ? तुम्हें किसी लड़के की चीख नहीं सुनाई दी? नहीं तो हैं? शायद मुझे ही गलत फहमी हुई हो। इस तरह एकटक क्या देख रहे हो? ये तस्वीर, ये खुद मैंने बनाई थी। क्या कह रहे हो? ये तस्वीर तो बहुत ही पुरानी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर अपने बुरश के एक एक निशान को पहचानता हूं मैं। क्या हुआ? वो कैसी आवाज थी? उग्र नारायण। ये उग्र नारायण कौन? ये यहां के आखिरी जमींदार राजा का नाम था। ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन देवेंद्र, ये तुम कैसे जाने? पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर जरूर मैंने अपने हाथों से बनाई है।
मुझे याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है। न जाने कब की बात है, शायद पिछले जन्म की, जब मैं इस पहाड़ी इलाके में उग्र नारायण के जंगलों का मैनेजर बनकर आया था। इतना खूबसूरत दिन था वो, कुदरत की हर चीज गा रही थी जैसे मेरे ही स्वागत के लिए। चलना उछल कर तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर, प्यार प्यार ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो
आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। भाई वो शामगढ़ी का रास्ता ये है या ये है? दोनों बाटे जानता हूँ तू। ये बाटे बन जानता, तो ये बाटे जानता, ये और बाटी जानता। उकाल लाख चो, उराल लाख चो, पानी लाख चो, तीन फूल लाख चो। समझ गया। ये भी लाख चो, शामगढ़ लाख चो। अरे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, डरो मत डरो मत, हम आदमी नहीं है। तो कौन हो? एक ध्वनि और उछालो तो बताऊं। भाई वो तुम ध्वनि ले लेना, लेकिन पहले नीचे तो आओ। ऐसा अभी लो। अरे अरे अरे, ये क्या गड़बड़ हो गई? मैं उल्टा हो गया या आप उल्टे हो गए? अरे ये तुम ध्वनि निकालो तो हम बताएं। ये लो, बराबर हो गए ना। क्या नाम क्या है तुम्हारा? पहले तुम बताओ। मेरा नाम आनंद है। अच्छा, तुम नीचे आनंद तो मैं ऊपर आनंद। जय राम जी की। सुनो ये भाई, ये शामगढ़ की टिम्बर एस्टेट का रास्ता कौन सा जाता? शामगढ़ टिम्बर एस्टेट? आनंद बाबू। आपका नाम आनंद बाबू है? हाँ, मेरा नाम कह तो चुका हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। तो मैं चरण दास हूँ, आप ही को लेने के लिए आया था। आपका सामान कहाँ है? मेरा सामान स्टेशन पे है। स्टेशन पे? तो सामान बाद में आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए आइए। काफी खूबसूरत जगह है। अब आपको खूबसूरत मालूम होती है ना, मुझसे पूछिए जिसे 3 दिन लगा सफाई करते करते, नाक में मट्टी, दिमाग में मट्टी, आप ये समझ लीजिए कि दारू भी इस मट्टी को साफ नहीं कर सकी। तुम तो वाकई बहुत थक गए हो। क्यों नहीं एक प्याली चाय की पी ले? जी मुझे तो जरूरत नहीं, आपके लिए ले आऊं। सुनिए बाबू जी, आप इस जगह पर नए नए आए हैं, जरा होशियार रहिए। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब चोर हैं, और वो यहाँ का मुनिम जो है ना, वो तो सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो यहाँ के मुनिम जी। मुनिम जी, मैं आप ही के गुनगा रहा था, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। कहिए, रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने चरण को भेजा था, ये जरा शराबी कबाबी आदमी है और रास्ते में शराब की दुकान पड़ती है। खैर, स्टेशन पहुंच गया था ना? हाँ पहुंच तो गया था। क्यों चरण? हाँ, मैं अगर वहां नहीं पहुंचता तो बाबूजी यहाँ कैसे पहुंचते? नहीं नहीं। अच्छा मुनीम जी, जी सब ठीक है, मैं कल से काम पे आऊंगा। काम काज तो मैं देख ही रहा हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप अभी आए हैं, 2 दिन आराम कीजिए, जरा घूमिए फिरिए, यहाँ एक से एक नजारे देखने को मिलेंगे आपको।
मगर बदकिस्मती तो यह है कि जितनी अच्छी धरती है यहाँ की उतने ही गंदे लोग हैं। आप जरा नए आए हैं, होशियारी से रहिएगा, ऊपर से नीचे तक सब चोर हैं और ये चोरों का सरदार। जी जी, मैं तो आपका बच्चा हूँ। बच्चे के बच्चे जी, अगर बाबू साहब को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आप बेफिक्र रहिए मुनीम जी, मैं बाबूजी को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा, अलबत्ता बाबूजी मुझे चाहे जितनी तकलीफ दे। अच्छा मैनेजर साहब, आप आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे इत्तला कीजिएगा। नमस्ते। आप खड़े क्या कर रहे हैं? जी, मैं क्यों? चाय नहीं पिएंगे? ओ, अभी लाया। सब कारोबार बूढ़े राजा साहब ने हम ही को सौंप रखा था, बड़ा आराम था, लेकिन बदकिस्मती अपनी, कुछ ही दिन हुए इनका स्वर्गवास हो गया। अब ये सब कारोबार उनके बेटे के हाथ में चला गया। और उनका बेटा कहाँ है आजकल? रहता है कहीं शहर में, निहायत आवारा बदकार छोकरा है, उसको तो यहाँ आने की इजाजत तक नहीं थी। चूंकि अब खुद मुख्तियार हो गया है, एक न एक दिन जरूर आएगा। सलाम मुनीम जी। सलाम सलाम सलाम। वीर सिंह हुजूर, ये वीर सिंह यहाँ का सारा काम काज देखता है, ये अपने नए मैनेजर आनंद बाबू। सलाम सरकार। सलाम सलाम। वीर सिंह, आज कितने पेड़ काटे? तो 700 पेड़ काटे, 600 भेज दिए और 100 इधर उधर। ये 100 इधर उधर से क्या मतलब है? ये सब काम काज आज ही जान जाएंगे हुसू, कुछ कल के लिए रहने दीजिए। चलिए दफ्तर चलिए। चलिए चलिए। मुनीम जी। जी, ये क्या बात है? पुराने साहब में तो मुझे काफी गोलमाल नजर आ रहा है। अजी छोड़िए साहब, इतने बड़े कारोबार में थोड़ा बहुत गोलमाल तो होता ही रहता है। लेकिन ये तो बुरी बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जी आप, आप अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे साहब, जिस बात का डर था वही हुआ, छोटे राजा साहब यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें इतनी डरने की क्या बात? जी नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, मैं कोई चोर हूँ? हमने कोई चोरी की है? वीर सिंह, वीर सिंह, अरे ओ वीर सिंह, पट्टू, ओ पट्टू, अरे सब सहन कर गए। बाबूजी, बाबूजी, सुना आपने हमारे नए राजा साहब आने वाले हैं? हाँ सुन रखा है मैंने। हाँ सुन रखा है, फिर भी खड़ा फूल सूंघ रहे हैं, और वहाँ तो डर के मारे तमाम पब्लिक लुढ़क गई, और आप पे कुछ असर ही नहीं। मुझ पे असर क्यों होगा भाई? बाबूजी, इस तरफ जाएंगे ना तो आगे चल के एक नदी मिलेगी, नदी के उस पार मत जाइए आप।
उस पार बड़ा भयानक जंगल है, शेर चीते बड़े बड़े अजीब जानवर हैं। जानवर तो यहाँ पर भी हैं। मैं आपको जानवर थोड़ी समझ सकता हूँ बाबूजी। जानवरों की बात छोड़िए, इधर आइए। कंपनी वालों ने वहाँ नोटिस लगा रखा है, कोई उधर नहीं जा सकता। अरे तुम जाओ। मैं तो जाता हूँ, लेकिन बाबूजी आप मत जाना, समझ गए। यहाँ तो मैं नीचे जा रहा था। Ooh.
कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मधुमती। तुमने मेरी तस्वीर क्यों चुराई? आप ही मेरा इंसाफ कर दो बाबूजी। इस महीने मुझे पैसे की बहुत तंगी है और ये छटाई के पैसे काट। चुप रहो ना, फिर मारूंगा। ए सिंह, पैसे वापस करो। मैनेजर साहब, छटाई के पैसे। पैसे वापस करो। अच्छा, चरण जी, ये लड़कियां कहाँ जा रही? लड़कियां? इनकी क्या बात है बाबूजी, लड़कियों की तो कौम ही निराली होती है। छम से आती है, छनान से चली जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि जा कहाँ रही। जब यहाँ नहीं आ रही है तो कहीं भी जाएं। सतरंगे पट्टू, चेहरे के नजर बट्टू, नरम नरम किरचे, लाल लाल मिर्चे, हर साल मेले में जाती है बाबूजी। लेकिन आप वहां ना जाइए। क्यों ना जाऊं बाबूजी? कुछ ऐसा सौदा बेचते हैं कि आदमी को खरीदना ही पड़ता है। आप वहां जाएंगे? हाँ जाऊंगा। हाँ तो फिर मैं भी जाऊंगा। Thank you.
बेटा। किसने कही ये बात? मैंने कही। दिखाई नहीं देता, अभी मर जाता बेचारा। सॉरी। झुक झुक जी भैया, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, कितने वीर हो तुम। चलो कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। बाबा, बाबूजी बहुत छोटा है क्या? है नहीं, बस यूं ही। अरे खून निकल रहा है, ठहरो। हाँ? मैं भी आई। देखो तो मधुमती, तुम इस दिन अपना हाथ छुड़ाकर भाग क्यों गई थी? मैं डर गई थी। और अब? तो नहीं डरती। क्यों नहीं डरती? तुम तो बहुत अच्छे हो बाबूजी, अपनी जान पे खेलकर तुमने मंगलू के भाई को बचा लिया, नहीं तो वो क्या बचता। अरे वो अपनी किस्मत से बच गया, उसमें मेरा क्या लेना देना था। अभी दर्द हो रहा है? हाँ हो तो रहा है। तुम मेरे घर चलो ना, बापू अच्छी दवा लगा देंगे। कहीं उल्टा बिगड़ेंगे तो नहीं? बिगड़ेंगे क्यों, वो तो खुश होंगे। खुश होंगे तो चलो। चलो अभी। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? और आओ ना, वो देखो नीचे वो रहा। कौन सा वो नीचे? हाँ अरे पर वहाँ जाएंगे कैसे? यहीं से, यही तो रास्ता है। ये रास्ता? अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जाने का। कुछ नहीं होगा, लो मेरे हाथ पकड़ लो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जी मेरा नाम आनंद है। यहां कैसे आए? मैं उनके साथ आया था। वो कौन? इसे मैं लाई बापू, मैं। वो मंगलू है ना, मंगलू, उसके भाई को बाबूजी ने बचाया। हाँ बहुत अच्छे है। देखो ना हाथ कट गया, जरा दवा लगा दो ना बाबू। बैठो बाबू।
देखें तो कहां चोट आई है। चोट तो नहीं, बस मामूली सी खराश आई है यहाँ। हाँ बाबू, पहले मामूली खराश ही होती है, बाद में बड़ा जख्म बन जाता है। दवा जरा तेज है। क्यों बाबू, यहां नए नए आए हो? जी हाँ, अभी कुछ दिन ही हुए। घूमने फिरने या? नहीं, नौकरी करता हूँ। कहाँ? ये नीचे राजा साहब के टिम्बर स्टेट में। कहाँ? राजा साहब के टिम्बर स्टेट में नौकरी करता। चले जाओ यहां से, और फिर फूल कर भी इस घर में कदम मत रख। लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता बापू। चले जाओ यहां से। मधु, मधु बापू, बाबूजी को तो रास्ता भी नहीं मालूम। ढूंढ लेगा, चल अंदर। चरण। कौन है? कौन है? मैं। पार्टी अंदर है बाबू। बाबूजी आप मेले में कहाँ घूम गए थे? सुनो चरण जी, ये उस तरफ जो चश्मा है उसके उस पार कौन रहता है? पानी के पीछे, यानी कि जंगल के बीच में ना। अरे हाँ हाँ, आप कुछ बताओगे भी या बके ही जाओगे तुम? बाबूजी आप गर्म होंगे ना तो खाना ठंडा हो जाएगा। वो बुढ़ा कौन है वो जो दवा डाल देता है? वो तो पान राजा है। राजा? हाँ, इनके बाप दादा राजा थे, इसलिए पहाड़ी इन्हें अभी तक राजा ही कहते हैं। अच्छा, तो ये जो राजा इस वक्त है, इसके साथ इन लोगों की कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी? दुश्मनी के क्या माने बाबूजी? कंपनी वालों को वहां जाने बात तक करने की इजाजत नहीं है, और न उनको इधर आने की। वो क्यों बाबूजी? बहुत साल हुए जब कंपनी वालों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो इसी पान राजा का बेटा सब गांव वालों के साथ मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो यही वीर सिंह के बच्चे ने उसकी पीठ में पीछे से छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला बाबूजी। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े अत्याचार भी किए। सत्यानाश, जो ना कहना था वो कह गया और जो कहना था वो रह गया। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? यहाँ का जो चालू राजा है ना, उसका भी जवाब नहीं है। बहुत धांसू, एकदम धांसू। आप चावल खाएंगे ना? क्यों जीवन, कैसे चल रहा है सब काम? ठीक ठाक चलता है हुजूर। अरे आप साहब आदमी हो, आपको ये घोर जंगल में रोज रोज आने की क्या जरूरत है? आप तो बस दफ्तर में ही बैठे रहा करो, और यहाँ का काम काज देखने के लिए ये सेवक जो हाजिर है। और फिर हुजूर, ये मजदूर लोग आपसे जरा डरते हैं। क्यों, मैं कोई हवा हूँ क्या? हुजूर, राजा साहब ने बुलाया। हाँ उनको बोलो मैं अभी काम में हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। सुनिए सुनिए, आप फौरन जाइए, बल्कि अभी जाइए। ये राजा साहब बहुत रूखे किस्म के आदमी है। और सुनिए हुजूर, राजा साहब जरा खुशामद पसंद है, आप अगर जरा से खुशामद कर सके तो। मैं आपकी नसीहत याद रखने की कोशिश करूंगा। तस्वीर पसंद आई? आप? नमस्ते। आप ही नए मैनेजर? जी हाँ। बहादुर आदमी है, इसका सबूत तो उस दिन मेले में ही मिल गया था।
आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मजबूरन। मेरे यहाँ आने के बाद मुनीम से लेकर कुली तक सब मुझे सलाम करने आए, एक आप ही नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा आपकी जगह। मैं आते ही कुछ काम में उलझ गया था। देखिए, मालिक आए तो उसे सलाम करने आना यहाँ का दस्तूर, आइंदा के लिए ये जान लीजिए। जी, अब जान गया। किस जरूरी काम में उलझ गए? यही दफ्तर का पुराना हिसाब किताब था। सुलझ गया? जी नहीं, उसमें काफी गड़बड़ है, ठीक होने में देर लगेगी। अगर आप देखते तो समझ जाते। मुझे देखना होता तो इतनी तनख्वाह देकर आपको यहाँ क्यों बुलवाता? हिसाब किताब और रुपए पैसे के मामले में अपने किसी नौकर पर भरोसा न करें राजा साहब। मैं तो कहूंगा कि मुझ पर भी नहीं। आपके बात करने के सलीके की दाद देता हूं। आमतौर पर तो मैं शहरी में रहता हूं, लेकिन कभी कभी जंगल में भी आना ही पड़ता है, जहां चारों तरफ नौकरों का हमला फैला हुआ हो, वहां आप जैसा कोई बात करने के लिए मिल जाए तो और क्या चाहिए। सिगरेट? नहीं शुक्रिया। राम से। जी सरकार। कहां मर गया? जूता खोल, जानवर कहीं का। आप जा सकते हैं। नमस्ते। जल्दी खोल। बापू की बात का बुरा ना मानना, वो दिल के बहुत अच्छे। मैं सुन चुका हूँ। तुम जा कहाँ रही हो? पार्क के गांव में, कल मिलूंगी। तो कहाँ? यही, इसी वक्त, जब इस पेड़ की छाया इस पत्थर पर पड़ेगी। मधु! आए बापू। कहाँ रुक गई थी? बापू, इस जरा कांटा लग गया था। चल चला। पता है मैं क्या समझा था? मैं नहीं आऊंगी ना। हाँ, मैंने तुमसे वादा नहीं किया था। देखो बाबूजी, ये पेड़ कैसे हिल रहा है। यूं, यूं, यूं। कितना खुश है। मैं भी खुश हूँ। तुम क्यों खुश हो? तुम क्यों खुश हो? बस खुश हूँ। मधुमति, मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगा। मधु, तस्वीर बनाओगी? बनाओ। नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ इधर आ, इधर बैठो। लड़की होते तो जानते क्या मुसीबत होती है। मुझे देर हो रही है। कोई दम और ठहर जा मधु, देखो अभी तस्वीर पूरी हुई जाती है। देखो देखो बाबूजी। क्या बात? देखो इधर आओ, इधर आओ ना। क्या हुआ? ये देखो, चींटियां घर जा रही है। चींटियां घर जा रही है तो क्या हुआ? पानी आ रहा है ना। कहाँ आ रहा है पानी? कहाँ गई तुम? नाक जरा लंबी कर दो ना, जरा। तुमसे कहा है कि वहां बैठ जा।
फिर सूरज डूब जाएगा तो? सूरज? हाँ बाबूजी, जानते हैं सूरज कहाँ जाता है? और तुम्हें दिखाती हूँ, वो जो पहाड़ है ना, उसके पीछे एक गुफा है, रात को सूरज उसमें छिप जाता है। उस गुफा में? हाँ, और सवेरे उस पहाड़ के नीचे की गुफा से निकलता है। हो ही नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकता? जब हम सो रहे होते हैं तो वो नीचे ही नीचे पाताल देश से होता हुआ फिर उधर चला जाता है। नीचे नीचे से? हाँ, और ये पढ़ लिख कर तुम इतने भी नहीं जानते? अरे मामा, ये भेद की बातें हमें कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी। तुम समझाओगी? तुम समझाओगी, मैं समझ लूंगा। ठीक है, अब तुम जाके वहां उस पत्थर पे बैठ जाओ। जा, 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 जा। मैं कोई पेड़ या पत्थर हूँ जो एक ही जगह गड़ी रहूं? मैं तो आई थी, जरा घूमेंगे फिरेंगे बात करेंगे, वो सब कुछ नहीं। बस क्या देख रहे हो? तुम्हें मधु, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना ही नहीं सकता। ये देखो, मुंह तो फेरो। कोई आ रहा है। मैं ना जानता था कि आप चित्रकारी भी करते हैं। जी ही कुछ उल्टे सीधे खत लगा लेता हूँ। नहीं अनंत, मुझ में और कोई खासियत हो या ना, लेकिन आर्ट को पहचानने की निगाह जरूर रखता हूँ। इतने खूबसूरत खत तो कोई मजा हुआ आर्टिस्ट ही लगा सकता है। बढ़िया सीन लड़की, कौन है ये? यूँ ही कल्पना से बनाई है। भाई वाह, लाजवाब है आपकी कल्पना। देखो अनंत, किसी दिन हमारे बंगले पर आओ। अरे एक दफ्तर से फुर्सत ही नहीं मिलती राजा साहब, काम इतना लगा रहता है। आप ठीक कहते हैं। मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, यहां से कोई नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मेरे ऊपर दया करो भैया। दया वाया कुछ नहीं जानता। मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, मेरा बच्चा मर जाएगा। तेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ भैया। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। क्या बात है वीर सिंह? बाबूजी, ये मुझे उस तरफ नहीं जाने देता। मेरे बच्चे को सांप ने घुस लिया है, इसका पहन के सिवा कोई इलाज नहीं कर सकता। बाबूजी, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे कह दीजिए मुझे उस तरफ जाने दे। इन लोगों को जाने दो उस तरफ। तो राजा साहब का हुक्म नहीं है? मैंने मैं राजा साहब से बात कर लूंगा, जाओ तुम लोग। भगवान आपका भला करे बाबूजी। चलो वीर सिंह, जाओ तुम लोग। बैठो। ये तो सब समझ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हमारे नए मैनेजर को पान के साथ आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है। बात यह है सरकार कि पान की एक जवान लड़की है और आनंद बाबू का उसके साथ कुछ लेकिन इसमें आनंद बाबू का क्या दोष है? लड़की ही ऐसी है, क्या हाथ पांव निकाले।
ये बात है? जी हाँ, आप तो बरसों के बाद आए हैं, आपको क्या पता इधर क्या हो रहा है। वो पहन की लड़की खुद एक तस्वीर है, फिर न जाने आनंद बाबू क्यों उसकी तस्वीर निकालते हैं और उससे मिलते भी हैं झरने के पास। ओ, कहीं जाने की जल्दी है क्या? जी हाँ, आज का काम खत्म हो गया है। मेरा कुछ काम बाकी रह गया है, ये थोड़ी सी कंपनियों के हिस्से खरीद रखे हैं, इन्हें देखकर हिसाब कर दीजिए। मैं अभी ले लेता हूँ, कल आके कर लूँ। नहीं आनंद बाबू, ये काम तो आज ही करना होगा, मुझे कल सुबह की डाक से इन्हें बाहर भेजना है। शुक्रिया।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ जा। दिल थड़क थड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल थड़क थड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा। मधु अगर तुम मर्द होती ना तो तुम्हें पता चलता कि कितनी बड़ी मुसीबत होती है। पता है रोजी कमानी पड़ती है और जो रोटी रोजी देते हैं वो प्यार के लिए वक्त ही नहीं छोड़ते। तो फिर क्यों करते हो ऐसा? फिर और क्या करूं? तुमको पता है कि प्यार के साथ साथ आदमी को भूख भी लगती है। तुम्हारी रोटी मैं ले आई करूंगी। अच्छा और कपड़े? कपड़े वो भी बापू के ला देंगे। और मकान? बस करो ना, तुम तो बढ़ते ही जा रही हो। अच्छा कल जो तुम नहीं आए अगर मुझे कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कोई मुसीबत आ जाती। मत करो उल्टी सीधी बातें। अगर कोई मुझे तुमसे छीन ले जाए तो क्या करूं? मार डालूंगा उसे। कौन है वो? कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलो आज यह नहीं, हम कहीं और जाके बैठेंगे। कहाँ? तुम आओ तो।
अभी और कितनी दूर जाना भाई? वो जो पहाड़ देख रहे हो ना, उसकी चोटी पर। वो देखिए पहले कौन पहुंचता है। अरे कहाँ गई थी तुम? इस गुफा में हमारे कुल का देवस्थान है, छत से जाकर एक प्रणाम कराई। कितनी अजीब जगह है ये। यही तो मैं तुम्हें लाना चाहती थी। हाँ, ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये सब हमारे पुरखों की समाधियाँ हैं। वैसे कितनी शांति है यहाँ। है ना? जब मैं कभी उदास हो जाती थी तो यहाँ के पहरों में बैठी रहती हूँ अकेली। तब मैं अकेली नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे जैसे ये सब पास है मेरे और मुझसे बातें कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? सच बाबूजी, इस दुनिया में कोई चीज नहीं मरती। देखो मधु, ऐसे मानो तो जैसे नीचे सितारे चमक रहे हैं और हम लोग इन सितारों से ऊपर कहीं आकाश में आ गए। कैसी रोशनी है? गांव में नाच गाना हो रहा है। अच्छा, चलो चलते हैं देखें। हाँ चलो चलो। Thank you.
पपी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पपी बिछुआ बिछुआ
कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही? चल अंदर। मेरे वापस लौटने तक खबरदार जो घर से बाहर कदम रखा तो। तो क्या करूं बाबूजी, इस पेपर मेरा नाम भी लिख दो ना बाबूजी। बाबूजी मैं देख रही थी, पर बाबूजी तुम यहां कैसे? तुम्हें देख के आया हूं। बाबू को तो पता नहीं चला? फिर ऐसा कभी मत करना।
क्या हुआ बाबूजी? तुम नहीं आई ना, जाने कैसी कैसी बातें आई मेरे दिल में, दम घुटने लगा था मेरा, फिर तूफान उमड़ आया, बिजलियां कड़कने लगी, बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया, तुम सबने मिलकर मेरे दिल में फिर तूफान मचा दिया, मुझसे रहा नहीं है, मैं चल दिया, मैं जाने कई बार गिरा कई बार उठा, मुझे कोई होश नहीं था, तो फिर मैंने सर उठाकर जो देखा तो सामने तुम्हारा ही घर था। मैं सच कहता हूं, फिर कभी ऐसा मत करना। अरे तुम रो रही हो, तुमने इतना दुख उठाया बाबूजी मेरे लिए, और मैं मुंजली यहां लेकर सोती रही। काश हमेशा ही ऐसा हो, जितने तूफान जितनी बिजलियां हैं सब मेरे हिस्से में आ जाए और तुम हमेशा चैन की नींद सोया करो। नहीं बाबूजी, तुम्हें छूकर कहती हूं, तुमसे मिले बिना मैं कभी नहीं सोऊंगी। मैं तो कहती हूँ जी तो तुम्हारे सामने और मरूं भी तो। मत सच बाबूजी, मैं मर जाऊंगी तो भी तुम्हारे पास ही रहूंगी, हंसोगे तो साथ हंसूंगी, रोगे तो साथ ही रहूंगी। बोल बोल, अच्छा मैं खुद देख लेता हूं। इज्जत पर हाथ डालकर भागा कहां जा रहा है, नीच कमीना। ये लो मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन मुझ पर ऐसा नीच और झूठा इल्जाम ना लगाओ। झूठ और कपट तुम नीचे वालों का धर्म है, तुम्हारे खून तक में पाप मिला हुआ है। मेरे खून में पाप नहीं, तुम्हारी नजर में खोट है। मेरी नजर में खोट है? मेरी नजर में खोट? अरे मत, नहीं बाबू, नहीं नहीं हट जा मुझे, मैं जान दे दूंगा लेकिन अपनी मोहब्बत पर किसी को कीचड़ उछालने नहीं दूंगा। मोहब्बत का दावा है ना तुझको, और मरते दम तक रहेगा। झूठ बकता है। नहीं बाबू, ये सच कहते हैं। मूर्ख, तू इन मक्कार लोगों को नहीं जानती, पूछ के देख ये तुझसे ब्याह करेगा, पूछ के देख, पूछ उससे। बाबूजी मेरे से ब्याह करोगे? हाँ मुझे, अगर तुम्हारे बापू आज्ञा दें तो।
कहीं का झूठी बकवास करता है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे वो लड़की चाहिए बस। सरकार ये काम इतना आसान नहीं, शेर के मुंह में हाथ देने वाली बात है। खामोश, जैसे भी हो उस लड़की को हाजिर कर। हुजूर एक सूरत है, चंदनपुर का मेला लगने ही वाला है, पाहन हर साल 2-3 दिन के लिए वहां जाता है, अगर आप इन दिनों आनंद बाबू को यहां से चलता कर दें तो यह काम यूं हो सकता है। इसका बंदोबस्त हो जाएगा। ला बेटी अब गठरी दे दे मुझे, जल्दी लौटाना बाबू। मेले में जा रहा हूं बेटी, 2-1 रोज तो लग ही जाएंगे, और फिर मुझे भी तो जल्दी है वापिस आकर तेरी शादी का इंतजाम करना है। और सुन तो, मेले से अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आऊं? जो तुम्हारा मन चाहे बाबू। मेरा मन तो बहुत कुछ चाहता है, तेरी शादी तो राजकुमारियों जैसी होनी चाहिए। क्या बताऊं, अब तो मैं सिर्फ नाम का राजा हूं, आज तेरा भाई जिंदा होता। बापू मेले से लाल चूड़ियां लाना मेरे लिए। अच्छा अच्छा ले आऊंगा। आप ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, मेहरबानी करके आप नीलपुर चले जाइए और मेरा वो काम कराइए। लेकिन राजा साहब, मैंने तो आपके लिए टांगे का भी इंतजाम कर दिया है, आप जल्द से जल्द चले जाइए। बेहतर। नमस्ते। नमस्ते। ना ना ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगी? तुम्हारे बिना मुझे डर लगता है। सुनो, और तुम तो कह रही थी कि मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे ना ना वैसे डर नहीं बाबूजी। फिर बापू भी यहाँ नहीं है, तुम भी बाहर जा रही हो, और वो जो तुम्हारे राजा साहब है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है। सुनो, तुम राजा साहब की चिंता मत करो, वो गए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने, अब फिर जब वो लौट के आएंगे तो उससे पहले मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो देखो मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ा सा हंस दो। अगर जाना ही है तो आओ मेरे साथ, देवता का आशीर्वाद लेने। फूल गिर गया तो क्या हुआ? ये बहुत बुरा शगुन होता है, जिसका फूल गिर जाता है वो मर जाता है। क्यों ऐसी मनहूस मनहूस बातें करती हो तुम मधु? नहीं ये सच है, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें देखने से पहले मैं मौत से नहीं डरती थी, पर अब मैं जीना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। भगवान अभी तुम्हें सुहागन भी नहीं हो पाए, लो अब तुम सुहागन हो गई। भगवान साक्षी हैं,
से दो दिन तक होश नहीं आएगा। शाबाश, मैं भी तुझे होश कर दूंगा। जाओ। अरे तेरे की फिनिश। और मंगाओ। नहीं, बहुत पी चुका हूँ अब, एक बूंद नहीं। तुमको तो मालूम है बाबूजी ने मुझे मना कर रखा है पीने के लिए। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। गोरी की गोल गोल अखियां शराबी, कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी, कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। हम जो थोड़ी सी भी गजर झूमे, हाय रे सामने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। नशा है किसी को बूट सूट कोट का नशा है। अरे वाह वाह, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारो हमें तो नोट टांग का नशा है। हम जो थोड़ी सी भी गजर झूमे, हर सामने देखा। जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सामने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। चरण गजब हो गया। हो गया ना, अरे अभी तो मैं जम के गाया ही नहीं था। जम के गाते तो और भी गजब हो जाता। चरण गजब हो गया, आनंद बाबू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, बुरी तरह जख्मी पड़े। कहाँ? कोचवान उन्हें उठाकर महल में ले गया है। बेचारे मधु मधु पुकार रहे हैं। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, तुम मधु को लेकर फौरन वहां पहुंच जा। अच्छी बात है। मधु, मधु गजब हो गया। मधु क्या हुआ चरण? नीलपुर जाते जाते बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह घायल हो गए। घायल? मगर वो है कहाँ? राजा साहब के महल में। वहाँ क्यों? उन्हीं के टमटम में गए थे ना, तो घायल होने पर कोचवान उन्हें वहीं ले गया। बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। चलो जल्दी चलो। Thank you.
सामान बंगले में पहुंचा दो, मैं अभी आता हूं। अरे इधर उधर उधर ठहरने 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 हाँ जा जा मधु, जरा पीने का पानी तो ला बेटा। मधु मधु बाबूजी, मधु कहाँ है? क्यों कहाँ गए? मालूम नहीं, मैं अभी अभी मेले से लौटा हूँ। घर जाकर देखा तो चावल चूल्हे पे चले पड़े थे और वो वहाँ नहीं थी। क्या कल और आज मैं तुमसे मिली है? नहीं, मैं तो खुद दो रोज के लिए नीलपुर गया था, अभी अभी वहाँ से आ रहा हूँ। तो फिर जरूर उस पर कोई आफत टूट पड़ी है। चलो ढूंढेंगे। चलिए का ढूंढा बेकार है बाबू। मालूम होता है कुछ जंगली जानवर खा गया है उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मधु, मधु, मधु कहाँ है? मधु? या अब मधु कहाँ है बाबू?
अभी अभी मैंने उसकी आवाज सुनी, आपने नहीं सुनी है? नहीं तो वो सुनिए, देखिए वो फिर से गा रही है। आइए आप आपने कहा बाबू, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता? नहीं तो ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। बाबूजी, 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 आप आ गए बाबूजी, सब कसूर मेरा है, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। क्यों, तुमने क्या किया? वीर सिंह ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप महल में पड़े हैं, तो मैं मधु को लेकर वहाँ पहुँचा और वो राजा साहब के चुंगल में फंस गई। लेकिन राजा साहब तो वहाँ थे ही नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल झूठ था, वो वीर सिंह और राजा साहब की साजिश थी, असल में वो कहीं गए ही नहीं। क्या मालूम, निकल जाओ। मुझे बदमाश, मैं जानता हूं तू तो कौन से शिकार पर निकला था। तूने एक मासूम औरत की इज्जत पर हाथ उठाया, बता कहां है वो? मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बता कहां है वो? बता। Thank you.
वीर सिंह। जी सरकार। भिगवा दो इस लाश को हमारे इलाके से बाहर। जी बेहतर। लेकिन कहाँ ले जा रहा है बाबूजी को? मैं कहता हूँ छोड़ दे लगा। और मैं कहता हूँ नीचे उतर गाड़ी से। अमीरों के तलवे चाटने वाले कुत्ते, मुझे तुझसे पुराने हिसाब चुकाने। एक नहीं कई, नीचे उतर। पागल! जो आ रही थी वो नहीं आई। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि रात भर बाबूजी के पीछे रहा, अब हालत पतली है। अच्छा, चाय तैयार है? ले जाए। चलो। संभाल के ले जाना। आंखों से ओझल हो सकती हो मधु, लेकिन दिल से नहीं। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। क्या है? सत्यानाश, बाबूजी तो काम से गई लेकिन साथ में अपने भी छुट्टी हो गई। वो कैसे? मैं चाय लेके अंदर गया ना, तो बाबूजी अकेले में न जाने किससे बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे पता है क्या हो गया है। पता है क्या? बताओ। बता दो। अबे माता तो है कि नहीं? अबे तुझ पर नहीं, तेरे बाबूजी पर। बाबूजी को तो फिर क्या करें? पहले बीड़ी पिलाकर। तू बीड़ी तो पी, लेकिन बता जल्दी से। ये ले। देख, यहाँ एक ओझा रहता है। हाँ। उसने बहुतों के भूत निकाल दिए। चलेगा उसके पास? चलो चलो, अभी चलो। मगर देख, ओझा की यहाँ बड़ी डरावनी चीजें हैं, डरेगा तो नहीं? डरूंगा और मैं
अबे डर किस चीज का नाम है मुझे पता ही नहीं है। अलबत्ता तुझे डर लगे ना तो मेरे पीछे हो जाना, समझा? आ जा यहाँ पे, तू आगे हो जा, वहां पे मैं आगे हो जाऊंगा। अंतर जंतर मंतर तहीन तंतर ऊपर काला भाका, अंतर जंतर तहीन मंतर ऊपर काला भाकड़ा, अंतर जंतर मंतर अंदर मत बैठ, यहाँ कोई दूसरा बैठा है। कोई भी तो नहीं है। फिर कभी ऐसा करेगा? लगा कानों को हाथ, उठ बैठ, उठ बैठ, जा। नहीं जाता, मैं बोलता हूं शराफत चले जा, शराफत चले जा, नहीं तो पसंद कर दूंगा तुम्हारी इतनी बच्चा। अच्छा हो गया। अरे तुम इसके पीछे क्यों रुका? जा। तो आप मेरे पीछे है ना? बैठ जा। क्या बात है बाबा? इसके मालिक को छोटा सा भूत चिमट गया। तो मैं क्या करूं? मैं छोटे मोटे भूतों के लिए नहीं जाता। मगर बाबा छोटा मोटा तो क्या, बल्कि लेडी भूत है, मेरा मतलब चुड़ैल, बड़ी जालिम है। वो बड़ी जालिम है तो मैं जालिम का बेटा हूँ। बेटा के बाप बात ही समझो। अच्छा चलो, देखता हूँ कैसी नहीं जाती है। मगर आपकी खोपड़ी वो भी ले जा। चलो जाओ अपने बाबू को बुलाओ। बाबू को भूत को, बाबू को। बाबूजी, बाबूजी, कुछ नहीं कुछ नहीं। दरवाजा बंद कर दो, मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जो भूत का भूत का पाप ही भाग जाएगा। मेरी चलो भाग ठीक निंदा से तुम निंदा आप की निंदा और जोर से बाबा भाग ठीक भाग के पंजाब ठीक तुम निंदा की निंदा आप 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 की निंदा और जोर से बाबा भाग ठीक भाग के पंजाब ठीक तुम निंदा की निंदा आप की निंदा जा रहा है वो जा रहा है वो जा रहा है तुमने देखा नहीं? खड़ा हो गया, कहता है सवार पहनाओ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। महाराज एक काम करो ना, रुपया देके खिसकाओ। लाओ चाराना भूत रह जाए फिर मेरे को नहीं बोलना। चाराना भूत कहा, भूत का चाराना रहेगा महाराज? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे बाबूजी कर ले, लो भूत गुम साथ में भूत वाला भी गुम। तुमने तो बोला था, जोर से बोल, चिल्ला के बोल। मैंने नहीं कहा था तो मेरा मंत्र जंतर बड़ा भयंकर है। भयंकर क्या बच्चे, बता बाबूजी कहाँ, वरना मैं तेरा सर फोल कर दूंगा। बोल। खिड़की खुली है, उसमें से भाग गया। वो देखो बिल्ली बन गया। बिल्ली बन गया? अबे तो तू कुत्ते की तरह काम भाग रहा है। कहाँ थी मधु? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मेरे पास आओ।
मेरे पास आओ मधु। भैया मधु। भैया ये माधवी की आवाज थी ना? हाँ उसी की थी। किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ती? मुसीबत भी नहीं जाएगा। मेरी गन, मेरी बंदूक। तुम इधर खोजो, मैं इधर देखता हूँ। माधवी तुम कहाँ हो? मधु मधु नहीं हूँ। नहीं मधु ऐसा न कहो, ये कहो कि तुमने अपने बाबूजी को भुला दिया। तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आपको गलत फहमी हुई, जाने दीजिए मुझे। नहीं मधु, जाने दीजिए। मधु भैया, एक भली लड़की का अपमान करने की तुमने जुर्रत कहाँ से पाई? मैं तो किसी का अपमान नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी मधु को। कौन मधु? ये तो मेरी बहन माधवी है। नहीं तुम झूठ कहते हो, क्या मैं अपनी मधु को पहचान नहीं सकता? क्या करता है? शर्मी आती है एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम आनंद है। निकाल दू भैया, बताओ को सरफरा मालूम होता है। भाग यहाँ से, भाग। अरे गई नहीं अभी तक, जानते हो ये कौन है? इस इलाके का पुलिस कप्तान है और मैं इनका साला हूँ, ब्रदर इन लॉ, यू नो। कहाँ रहते हो? डाक बंगले में। बंगले में? आओ माधवी, चलिए जीजा जी, आज की सारी पिकनिक का मजा ही किरकिरा कर दिया। चलिए कमल बाबू, चलो माधवी। आओ माधवी। देखो भैया वो यहाँ बैठा तस्वीर बना रहा है। नहीं जी जाइए, फिर भी सोचने की बात है। चलो छोड़ो बिना, जो हो गया सो। अरे देखो तो भैया। हाँ माधवी, बड़ी हैरानी की बात है, ये तस्वीर तो हूबहू तुमसे मिलती है। लेकिन पहले तो उसने मुझे कभी नहीं देखा, क्या मेरी ही शक्ल की कोई और भी लड़की हो सकती है? हाँ हो क्यों नहीं सकती, कभी कभी तो देखा गया है कि कोई भी रिश्ता ना होते हुए दो अनजान आदमी की शक्लें आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि हम पुलिस वाले भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तब तो वो बेचारा झूठ नहीं कह रहा था, ये तस्वीर उसे मिलनी चाहिए। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी क्या सामने आया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने
सदा मेरी टकरा के सितारों से लौटाए सदा मेरी टकरा के सितारों से उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से सुनसान किनारों से पर अब ये तड़पना भी कुछ काम ना आया है दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने यहाँ आनंद नाम के कोई साहब रहते हैं? जी क्या बताऊं मैम साहब रहते भी हैं और नहीं भी रहते कुछ समझ में नहीं आता मैं गरीब तो बस खाना बनाने भर का चोर हूं वो भी मुझे ही खाना पड़ता है इस वक्त ना तो साहब यहाँ है ना उनका बहरा आप अंदर चल के बैठिए थोड़ी देर में आते होगा दोनों में से आप बैठिए तू बात मत कर मेरे साथ क्या वक्त है बे? चोर पाजी लुच्चा कमी ना कहेगा चोर तू तेरा बाप तेरा दादा पर दादा नगर दादा कल मेरे माल का पानी करके रख दिया मुझे तो पहले से ही मालूम था कोई भूत भात नहीं है नालायक कहेगा निकाल भूत ला मेरे सामने नहीं तो मैं तेरा भूत निकालता हूँ मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मेरा कोई कसूर नहीं ये सब खानसामा की शरारत है मैं तो भूत से बहुत डरता हूँ मुझे माफ कर दो मधु मैं मधु नहीं माधवी माधवी अच्छा हाथ लगाता हूँ वही नाक वही नक्शा वही मुंह वही आंखें तो आप ही को बाबूजी मधु समझ बैठे थे अच्छा बताओ तुम ये मधु कौन है क्या हुआ उसे आप बैठिए मैं सब कुछ बताता हूँ ये है उस बिचारी की दुख भरी कहानी हमें तो पूरा यकीन है कि मधु मर चुकी है लेकिन बाबूजी नहीं मानते आज आपको देख के पता चला कि उस रोज स्टेशन पे बाबूजी मधु मधु क्यों पुकार रहे थे ओह अरे अंधेरा हो गया है मैं बत्ती जला लाता हूँ बाबूजी आ गए मेरी जगह कोई भी और होता तो पागल हो जाता
अनंत बाबू, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं जानती हूँ, सब सुन चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मधु का दुख मेरा हो गया है। मेरे लिए आंसू न बहाओ, वही सूरत, वही आंखें, वही नजर। सुन रही हो क्या? वो मुझे बुला रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? मधु, 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 मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, सदा रहूंगी। मैंने वचन दिया था, मैं जीत गई, वो हार गया। कौन मधु? जाके देखो बाबूजी, उसके हाथों पर मेरा खून लगा है। किसके हाथों पर? उग्र नर है। उग्र नर है। वो सांप मुझे डसना चाहता था। मधु, मधु, उसके हाथ मेरी मधु के खून में रंगे हुए हैं और वो सांप अभी जिंदा है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? उग्र नारायण, उग्र नारायण। उग्र नारायण, मैं जानता हूं उस छठे हुए बदमाश को। पहले भी जो दो एक कत्ल हुए हैं उनमें उसी का हाथ। आप ये सब जानते हैं और वो खौफनाक दरिंदा इस तरह आजादी से घूम रहा है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैंने अपनी लाचारी बताई ना, बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं किया जा सकता। हेलो, हेलो कमल। हाँ, अरे भाई माधवी का डांस हो और मैं ना हूं, अभी तो पूरे 15 मिनट बाकी हैं। मैं यहां से सीधा वहां पहुंच रहा हूं। हाँ ओके, चलो। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं चलता हूं इंस्पेक्टर साहब। ठहरिए, पिस्तौल रख दीजिए। नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए पिस्तौल मुझे दे दीजिए। मैं उस पापी का खून करके ये आपको वापस कर दूंगा, चाहे उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन मेरा इंतकाम पूरा हो जाए बस। डोंट बी रैश मिस्टर आनंद, पिस्तौल रख दीजिए। सुनिए, आप मधु के खूनी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए ठोस सबूत इकट्ठे कीजिए। मैं वादा करता हूं आपकी पूरी मदद करूंगा। कहां जा रहे हैं आप? मेरे साथ चलिए। कहाँ? चलिए तो। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर, आप लोगों ने बड़ी देर लगा दी। जी हाँ, ऑफिस के काम में कुछ देर लग गई।
कानून नौकर नारायण के जुर्म का सबूत मांगता है ना इंस्पेक्टर साहब, तो वो सबूत आपके सामने है। आप क्या कह रहे हैं आनंद बाबू, मैं आपका मतलब नहीं समझा। आज इनको इस लिबास में देखकर अचानक मुझे ये ख्याल आया कि अगर माधवी देवी मधु के लिबास में उस पापी के सामने आ जाए तो मेरी तरह वो भी अपने होश हवास खो बैठेगा। वो जरूर यही समझने लगेगा कि मधु मौत की हदों से वापस लौट आई। पर इससे क्या होगा आनंद बाबू? वो बुजदिल घबरा कर गिड़गिड़ाने लगेगा कमल बाबू, वो अपने जुर्म का इकरार कर लेगा और हाथ जोड़ जोड़ कर अपने पाप की माफिया मांगेगा। माधवी देवी, मैं आपसे एक आखिरी एहसान मांगता हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ चलिए। भैया तो कब चलना होगा आनंद बाबू? ये मैं आप लोगों को लौट कर बता दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ हैं ना? आपका साथ देना कानून का फर्ज है आनंद बाबू। मैं आप लोगों के एहसान को मर के दम तक नहीं भूलूंगा। अच्छा नमस्ते। बैठे थे तुम यहां क्या करने आए? आपसे माफी मांगने आया था। किस बात की माफी? राय साहब, आप तो जानते हैं कि जवानी में इंसान से क्या क्या गलतियां होती हैं। मैं भी उन्हीं गलतियों का फल पा रहा हूं। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। मधुमती की खातिर मैंने आपसे खामखा झगड़ा मोल लिया राजा साहब, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। ना मेरे पास खाने को कुछ है, ना पहनने को। जिंदगी से तंग आ गया। जिंदगी से तंग आ गए हो तो यहां किस लिए आए? अगर आप कुछ मदद कर दें तो मैं घर लौट जाना चाहता हूं। नहीं नहीं, मैं भीख या खैरात नहीं चाहता राजा साहब, मुझसे कुछ खिदमत ले लें आप। तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं टूटा? घमंड अगर रहता तो मैं आपके पास आता ही क्यों राजा साहब। आप तो जानते हैं मैं ये तस्वीरें वगैरह बना लेता हूं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी एक तस्वीर बनाना चाहूंगा। तस्वीरें बनाने का शौक अभी तक बाकी है? मेरे पास वक्त नहीं, फिर कभी आना। राजा साहब, फिर आने के लिए शायद मैं जिंदा ही न रहूं। मेरी कुछ मदद कर दी, मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। मगर मेरे पास दिन में वक्त ही नहीं। तो मैं किसी वक्त शाम को आ जाऊंगा, जब भी आप कहेंगे तब। अच्छा, तो कल शाम को 6:30 बजे आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। ये रहे, कल आप इनको पहन के रात को ठीक 8 बजे महल पे आ जाइएगा। आएंगे ना? चरण से पूछ के मैंने ये ठीक उसी तरह ही बनवाया जैसे कि उस रात मधु ने पहने हुए थे। लेकिन लेकिन शाम को का रास्ता बहुत खराब है, आप इनके साथ आएंगे ना? हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अभी अभी तो आप आए हैं, जरा ठहरिए ना माधवी, जरा चाय वाय। नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ न कीजिए। वक्त आ गया और मुझे अभी बहुत काम करना है, मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। लेकिन कल रात ठीक 8 बजे आप याद रहेगा ना? हाँ याद रहे। बेचारा। पहले मैं चलता हूँ, आप अपना पूरा इंतजाम करके बाद में आइए। डोंट यू वरी अबाउट इट।
इतनी भयानक रात है, बस वो बातें बनाने आए हो या तस्वीर बनाने? चुपचाप अपने काम किए जाओ। ये आपके पीछे किसकी छाया झूल रही है? मेरे पीछे कौन? कौन? कुछ नहीं, पर्दे की परछाई। अनंत, तुम मुझे डराना चाहते थे? जी नहीं, मैं खुद डर गया था राजा साहब। मेरे पास फालतू वक्त नहीं। कितने बजे? 8 बजने में अब ज्यादा देर नहीं है राजा साहब। जाओ अपना काम करो। राजा साहब फोन। फोन? जी हाँ फोन। ये देखिए, आपकी तस्वीर पर अपने आप ये खून के धब्बे उभर आए हैं। ये जरूर तुम्हारी हरकत होगी। नहीं राजा साहब, इसमें यकीनन किसी और का हाथ है। किसी और का हाथ? लेकिन इस वक्त हम दोनों के सिवा और कौन? जरूर कोई है, मैं महसूस कर रहा हूँ राजा साहब। क्या आवाज सुनी? ऐसे मालूम होता है जैसे दो बढ़ते हुए पैरों में पायल खनक रही है। आप सुन रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। बेटा दो डाल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह देख रहे हो मेरी तरफ? जैसे एक चित्रकार देखता है। जो आदमी के अंदर होता है अच्छा चित्रकार, वो ही बाहर लाने की कोशिश करता है। ऐसा आप रूहों को मानते हैं? क्यों पूछते हो ऐसी बातें? आज की रात ही कुछ ऐसी है। ऐसे मालूम होता है जैसे कोई रूह जिसकी जिंदगी का सपना अधूरा रह गया हो, आने की कोशिश कर रही है। देख रहे हैं वो लपलपाते साये से, सुन रहे हैं उसकी दर्द भरी लंबी लंबी आहें, उसकी सिसकियों की आवाज। खामोश! याद है वो तूफानी रात जब तुम इनके जख्मी हो जाने की झूठी बात कहकर मुझे यहाँ ले आए? उसके बाद क्या हुआ? बोलो, उसके बाद क्या हुआ? चुप क्यों? आगे मत बढ़ो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम बाबूजी बाबूजी पुकारती हुई मेरे कमरे में चले आए। मैंने तुम्हें काबू कर लेना चाहा, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर छत की तरफ भाग निकली। मैंने तुम्हारा पीछा किया।
एक निर्दोष की हत्या करके तुम कभी भी चैन से नहीं रह सकोगे। तुमने मेरी लाश को झील के किनारे दबा दिया ताकि कोई जान न सके। हाँ, मैंने तुम्हें कत्ल किया था और एक बार फिर तुम्हें कत्ल करूंगा। कोई है? रोशनी, रोशनी! आप हिरासत में हैं, ये सब झूठ है, कोई साजिश। मैं सब सुन चुका हूँ। अभी अभी आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, बाकी सफाई अदालत में देना। सिपाही बंदूक ले लो। मुजरिम अपने जुर्म की सजा पाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? मेरा सुकून तो वापस नहीं आ सकता, मेरी उम्मीदें तो नहीं लौट सकती माफी दे। मैं आपका बहुत एहसान हूं, आपकी वजह से ये लेकिन आपको ये सब बातें कैसे मालूम होगी? आपको ये सब बातें कैसे मालूम है जिनसे मैं खुद ना वाकिफ? इस मनहूस जगह पे आने के बाद मेरी मधु पर क्या जुल्म हुआ ये आपने कैसे जाना माधवी देवी? आपके होठों पर ये पुरस्कार मुस्कुराहट क्यों खेल रही है? आपकी आंखों में अजीब सी झलक क्या है? आप कहां जा रही हैं माधवी देवी? आप चुप क्यों हैं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अनिल बाबू, अनिल बाबू, माफ कीजिए अनिल बाबू, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण मुझे देर हो गई। मधु, क्या हुआ? वो आई थी। कौन? मधु। कहाँ? बाबूजी, सुना आपने? वो मुझे पुकार रही। बाबूजी, वो मुझे पुकार रही। आनंद बाबू, आनंद बाबू। माधवी। बाबूजी, आनंद बाबू। मधु। बाबूजी, बाबूजी, मधु। पिछले जन्म का अंत हुआ। उस जीवन में मधु मुझे नहीं मिली, लेकिन मरते समय मेरी एक ही इच्छा थी, बस एक ही लगन कि अगले जन्म में मेरी मधु मुझे जरूर मिल जाए, और इस जीवन में मैंने उसे पा भी लिया है डॉक्टर। कौन? राधा भाभी? हाँ, मौत के अंधेरे को तोड़कर हमारे प्रेम ने दूसरी बार जन्म लिया और हमारा फिर से मिलन। अरे, तो सुबह हो गई और उस ड्राइवर का अभी तक पता नहीं है। उधर राधा बेचारी स्टेशन पर परेशान हो गई होगी राधा देखते देखते। क्या रास्ता खुल गया? रास्ता खुल गया सरकार, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। जिस ट्रेन से मेहम साहब आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत से आदमी घायल हो गए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? नीचे से आने वाली लड़ी का एक जोर कह रहा था।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो डॉक्टर। एक्सीडेंट का सुन के मेरी तो जान निकल गई थी राधा। ऐसे मालूम होता जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। जानती हो हम तुम इस जन्म के नहीं जन्म जन्म के साथी हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था।